बाजार दर्शन के इस अंतिम और तीसरे भाग का हम अवलोकन करेंगे। इसके पहले हम दो भागों में यह जान पाए यदि हम बाजार जाएं तो हमारी स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम एक प्लान करके जाएं, एक सुनियोजित ढंग से जाएं, तभी हम बाजार रूपी जादू से अपने आप को बचा पाएंगे। तीसरे पैराग्राफ में जनेंद्र कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताने का प्रयास करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर बाजार का जादू, बाजार का आकर्षण, बाजार की चकाचौंध, सौंदर्य का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। लेखक कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको भगत जी के नाम से लोग जानते हैं। भगत जी के नाम से उनको पुकारने का लोग प्रयत्न करते हैं। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अपनी अपनी रोज़मर्रा की वस्तुओं को पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की जीविका करने का प्रयास करता था, श्रम करने का प्रयास करता है। भगत जी नाम के व्यक्ति जो लेखक के पड़ोस में रहते हैं वह चूर्ण बेचने का काम करते हैं और उनकी चूर्ण बेचने की जो सीमा है वह बिल्कुल निर्धारित है। यह 6 आने के पहले समय के 1 आने, 2 आने, 3 आने, 4 आने, 5 आने, 6 आने आने में रुपए चलते थे। आज जैसे आज पैसे में चलते हैं, रुपए में चलते हैं, उसी तरह से आने में, तो 6 आने पैसे से ज़्यादा वो कभी चूरन नहीं बेचते थे। उनका चूरन की विशेषता इस तरह से थी कि जब वो चूरन बेचने के लिए लेके आते थे उनके चूरन को लेने के लिए एक लंबी सी लाइन लगी रहती थी। अब भगत जी की सबसे बड़ी अनोखी विशेषता थी वो चूरन बेचते बेचते जैसे 6 आने की कमाई हो जाते थे उसके बाद से वो चूरन बेचना बंद कर देते थे। अब बची हुई चूरनों को वह वहाँ के बच्चों में, वहाँ के लोगों में मुफ्त में बांट देते थे। यहाँ पर हम देखेंगे भगत जी के ऊपर बाजार का दर्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, नहीं तो भगत जी चाहते तो अपने चूरन के दाम को बढ़ा देते, चूरन की जो गुणवत्ता उसको कम कर देते या चूरन को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में बेचने का प्रयास करते। यहाँ हम देखते थे जयनित कुमार जी हमें लिख के बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पैसा हाथ में लोग पैसे लिए हुए हैं और भगत की तरह पैसे पैसे उछाल उछाल के कह रहे हैं 1 आने नहीं 2 आने ले लीजिए, कोई कहता 2 नहीं 3 आने ले लीजिए, यानी मुझसे ज़्यादा पैसे ले लीजिए लेकिन चूरन मुझे दे दीजिए। लेकिन भगत जी ने इस विज्ञापन के प्रभाव से अपने आप को दूर रखते हैं। चूरन का जो वास्तविक मूल्य है उसी के हिसाब से वो चूरन देने का प्रयास करते हैं। पैसा उछल उछल के कहता है मुझे ले लो और मुझे ले लो, ज़्यादा ले लो, लेकिन भगत जी इस तरह की क्रियाकलाप नहीं करते। दूसरी बात लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो भगत जी हैं चूरन बेचने वाले हैं उनके ऊपर बाजार का जो जादू है, बाजार का जो आकर्षण है वह उनके ऊपर नहीं चढ़ पाया और इस तरह से वह अपने नियमित 6 आने की कमाई करने के बाद अपने चूरन के उस संदूक को बंद कर देते हैं और बचे हुए चूरनों को वह लोगों में मुफ्त में बांट देते हैं और बांट कर अपने घर वापस चले गए।
ऐसा जो व्यक्ति होता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो सामानों की बिक्री की जाती है उस सामानों के माध्यम से वह किसी भी व्यक्ति की मनोदशा का वह शोषण नहीं करता है। और इस तरह से जैसा हम सभी लोग जानते हैं जहाँ मांग ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है वस्तुओं की वहाँ पर वस्तुओं की कीमत अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। या मांग कम हो जाती जिस वस्तु की उस वस्तु की कीमत धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। भगत जी के चूर्ण देने के लिए एक लंबी सी कतार लगी हुई है, लोग हाथ में पैसा लेके पैसा उनको चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आप मुझसे ज्यादा ले लीजिए, एक आने की जगह चार आने ले लीजिए, दो आने ले लीजिए, लेकिन चूर्ण हमें दे दीजिए। लेकिन भगत जी के ऊपर इस बाजार दर्शन का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे जनन कुमार जी यह विघ्न करते हुए लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति इस दृढ़ निश्चय से बाजार में प्रवेश करे, उसे बाजार की वस्तुओं में उतना ही मन लगाना है जितना ज्यादा उनको उन वस्तुओं की आवश्यकता अपने घर पे है। तो ऐसे स्थिति में जब व्यक्ति इस उद्देश्य से बाजार के उस गलियारे में कदम रखेगा कि हमें उन्हीं वस्तुओं को लेनी है जिन वस्तुओं की आवश्यकता हमारे घर पे है, तो ऐसे स्थिति में जरा सा भी बाजार का जादू उस व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति खाली मन से बाजार के उस गलियारे में कदम रखता है, कोई योजना बना के नहीं जाता है, जेब में पैसे भरे हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति उस बाजार के उस आकर्षण से चकाचौंध से अपने आप को बचा नहीं पाता है और अनावश्यक वस्तुओं के बस में वशीभूत होकर वह उन्हें अपने घर के जरूरत समझ बैठता है और इस तरह से उन वस्तुओं को खरीद लेता है। इस तरह से जनन कुमार जी भगत जी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। जनन कुमार जी की मुलाकात एक बार उस चूरन बेचने वाले भगत जी से मुलाकात उस बाजार के उस चौक पर हो गई। चौक मतलब जहाँ पर चार रास्ते आके मिलते हैं उस चौक पर हो गए। मुझे देखते उन्होंने जय जय राम किया, लेखक को जैसे देखे जय जय राम करने का मतलब कि नमस्कार करते हैं, मैंने भी जय राम कहा, लेखक भी कहते हैं। उनकी आंखें बंद नहीं थी, न उस समय वह बाजार के किसी भात कोस रहे मालूम होते थे, उनकी आंखें आज भी वस्तुओं को देख रही थी और बाजार की वस्तुओं को देखने बाद ऐसा लगता था कि बाजार में जो वस्तुएं हैं उनको को कोस रहे हैं अर्थात उनका दोष निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। राह में बहुत लोग मिले, बालक मिले, भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी न किसी कम खुली हों या किसी वस्तु को न देखी। भगत जी भी बाजार के उस बीचों बीच गलियारे से होकर गुजरते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि भगत जी बाजार के उस गलियारे से होके गुजरते हैं तो आंखें बंद करके गुजरते हैं, वह भी तो उसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन भगत जी ये पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि हम उन्हीं वस्तुओं को खरीदेंगे जिन वस्तुओं की आवश्यकता हमारे घर पे है, हम उन वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ने का प्रयास करेंगे जिनकी आवश्यकता हमारे घर पे नहीं है। ऐसे स्थिति में भगत जी पूरे रास्ते से बड़े दृढ़ता के साथ उस गलियारे से गुजर जाते हैं, वस्तुओं का जरा सा भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हावी होता है। और इस तरह से लेखक उनके बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं कि बाजार में सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि क्या चाहता है, बाजार की जो सार्थकता है। अब प्रश्न ये होता है सार्थकता, सार्थकता मतलब होता आवश्यकता, बाजार की आवश्यकता को वही व्यक्ति बहुत हूबहू जानता है जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित होता है।
यह नहीं होना चाहिए। यह हमारे मन की यह दुर्भावनाएं हैं कि बाजार की वस्तुएं हमारे घर की वस्तुएं होनी चाहिए। नहीं, हमारे घर की वस्तुएं वही वस्तुएं होनी चाहिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता हमारे नैतिक जीवन में है। यदि जीवन में नहीं है तो हमारे घर की वह वस्तु नहीं। बाजार तो वस्तुओं का जमावड़ा होता ही है। हर एक व्यक्ति, हर एक की नजरिए अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति अलग अलग नजरिए से अपने घर में उन वस्तुओं के रखने का प्रयत्न करता है। इस तरह से सभी लोगों की अपनी जो सोच है, जो चिंतन है, उसे बदलने की आवश्यकता है। जनिंद कुमार जी इस पाठ में से के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करते हैं, हमें फिजूल खर्चे से, अनावश्यक वस्तुओं की खरीद फरोश से हमें बचने की आवश्यकता है। यदि हमें आवश्यकता लगे तभी वस्तुओं को खरीदें, यदि आवश्यकता नहीं है तो हमें उन वस्तुओं में किसी प्रकार का गुणधर्म या विशेषता को देखने की आवश्यकता नहीं है। जब जरूरत लगेगी तो हम उसकी गुणवत्ता को पहचान करेंगे। जरूरत नहीं है तो ऐसे वस्तुओं की गुणवत्ता की पहचान करने से हमें क्या फायदा। यदि हम गुणवत्ता की पहचान करेंगे तो गुणवत्ता को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि हम उसकी गुणवत्ता से इस तरह से अपने आप को विलीन कर देंगे उसकी गुणवत्ता में कि न चाहते हुए भी उस वस्तु को अपने घर का हिस्सा बनाने का प्रयत्न कर लें। जनिंद कुमार जी इसमें आगे बताते हैं भगत जी कि जो आवश्यकता है वहाँ एक पंसारी की दुकान है, उसी पर वह जाते हैं। घर के जो खाद्यान्न की वस्तुएं जो उन्हें चाहिए, चूर्ण बनाने की जो सामग्री चाहिए, वह वहाँ से लेते हैं और इस तरह से लेकर अपने घर के तरफ लौट जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाजार दर्शन का जो प्रभाव चकाचौंध है, जो आकर्षण है, वह भगत जी के मनोवित्त पर, मनोचित्त पर नहीं पड़ पाता है और इस तरह से भगत जी अपने आप को उस बाजार दर्शन के उस आकर्षण से, उस जादू से इस तरह से निकाल लेते हैं कि जैसे लगता है कि बाजार उनके लिए एक सूक्ष्म है, तुच्छ है, उसमें उनकी जरूरत की किसी प्रकार की वस्तु नहीं। इस तरह से जनंत कुमार जी हमें यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि बाजार हमारी आवश्यकता के को पूरा करने का एक माध्यम तो है ही, लेकिन कभी कभी हम आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से न जाकर बाजार में हम बाजार का जैसे ही भ्रमण करते हैं, वस्तुएं चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मुझे अपने घर ले चलो, आओ लूट लो, लूटो और खुद लुटा जाओ। अर्थात नाना प्रकार के त्योहारों के माध्यम से, विशेष दिनों के माध्यम से बाजार के जो व्यवसायिक वर्ग होते हैं वह प्रलोभन देते हैं और ग्राहकों को यह प्रलोभन कुछ डिस्काउंट के रूप में समझ में आता है। कुछ लोगों को ब्रांड कपड़े पर छूट है उसके रूप में आता है। कोई कोई त्योहारों के दिनों में विशेष खरीदारी करने का उद्देश्य उसका होता है, उसके रूप में आता है। तो इस पाठ के माध्यम से जनन कुमार जी हमें इस बाजार दर्शन नामक शीर्षक के माध्यम से यह अवगत कराने का प्रयास करते हैं या इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम बाजार के उस आकर्षण चकाचौंध चीजों के वशीभूत न होए और इस तरह से हम उन वस्तुओं को ही देखें, समझें या उन्हें खरीदने का प्रयास करें जिन वस्तुओं की आवश्यकता हमारे घर पे है। यदि हमारे पास उन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, उन वस्तुओं की कोई जरूरत हमारे दैनिक जीवन में नहीं है, ऐसे वस्तुओं का जमावड़ा हमें अपने घर पे नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जनिंद कुमार जी इस शीर्षक के माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न करते हैं। इसी के साथ बाजार दर्शन खत्म होता है। मैं आप सभी लोगों को बाजार दर्शन में आए हुए जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं उसका मैं नोट्स बना के आपके पीडीएफ में के माध्यम से आपकी क्लास में उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आप बाजार दर्शन के जो अभ्यास प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को आप बखूबी से जानें, समझें
और जिन बच्चों को प्रश्नों में यदि दिक्कत आ रही है, प्रश्नों को समझने में दिक्कत आ रही है, जैसे बाजार क्या है, बाजारूपन क्या है, बाजार शैतान या दानों के रूप में क्यों है, बाजार का जादू क्या है, इत्यादि बातें यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हाँ पूछ सकते हैं। और हम ये प्रयास करेंगे कि बाजार संबंधी जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का एक संग्रह बनाकर आप लोगों के उपलब्ध करा दिया जाए, और इस तरह से आप लोग उसकी बखूबी तैयारी करें और फेयर कॉपी भी बनाने का प्रयास करें। जो भी कॉपियां हैं आपके पास विगत वर्षों की बची हुई, उन्हीं कॉपियों में आप अपने कॉपियों के आगे जो भी लिखा हुआ है उसको हटाते हुए आप उसको कॉपी कुछ समय के लिए बना लें, फिर आपको जैसे नई कॉपी उपलब्ध होगी तैसे ही आप उसमें बनाने का प्रयत्न करेंगे। हमेशा अभ्यास करने से ही जो आपकी हस्तलेखन कला है वह बहुत सही ढंग से चलती रहेगी। हस्तलेखन कला के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होनी चाहिए। आप रोज ही कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करें। बस इस तरह से इन्हीं बातों के साथ आज बाजार दर्शन नाम का यह सारांश या यूं कहा जाए शीर्षक खत्म हुआ, और इस तरह से आप अगले वीडियो में अगले चैप्टर का अवलोकन करेंगे।